सो हेलो गाइस, दिस इज अबुजा खान फ्रॉम लैटो हाउस कानपुर और साथ में तौसीफ भाई हैं। और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं रैपो कंपनी के, जो कि बेसिकली हर लैपटॉप और कंप्यूटर की एक्सेसरीज बनाती है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास आए हैं, इसको आज हम रिव्यू करने वाले हैं। ऐसे हमारे पास में ये व्हाइट कलर का कीबोर्ड है जो मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है, ये ब्लैक कलर कीबोर्ड जो मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है, ये ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड या वायर्ड कीबोर्ड है, और ये भी ब्लूटूथ वाला वायरलेस कीबोर्ड है। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। वैसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे। तो ये रैपो का V500 सीरीज है, जिसमें कि ये क्लेम करा जाता है कि ये वाटरप्रूफ है। इसमें पानी डाल करके देखो अगर, तो इसमें पानी से कुछ नहीं होता है। तो इसको हम लोग अभी नहला धुला के चेक करेंगे। और फिर ये भी वही सेम चीज़ है, बट दिस इज इन ब्लैक कलर। तो ये ब्लैक कलर में है, RGB वाला। और ये तो इसमें करा जाएगा टेस्ट में, पानी डाले इसमें। हाँ, इसको पानी डाल के खराब हुआ तो दिखाते हैं, खराब नहीं होगा। नहीं होगा, चलिए होगा तो वारंटी मिलेगी। उसके बाद बाकी आप लोग फिलहाल इसको हम लोग अभी करते हैं टेस्ट, फिर आपके इसके बारे में बता दे रहे हैं। ये रैपो का 8000M कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो है, जो कि बेसिकली ब्लूटूथ और डोंगल दोनों से चलता है। यानी जो एप्पल और मैकबुक की डिवाइसेस वगैरह होती हैं उसमें भी ये वर्क करेगा, क्योंकि इसमें डोंगल की नीड नहीं। आप डोंगल ला के नॉर्मल विंडोज लैपटॉप में चला सकते हो, और विदाउट डोंगल ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इसको सीधे अपनी मैकबुक फोन टैबलेट की से कनेक्ट करके चला सकते हो। ये भी वही सेम चीज़ है, बट खाली बस साइज में थोड़ा डिफरेंस होगा। ये मिनी कीबोर्ड है, ये फुल साइज कीबोर्ड है। और उसके बाद फिर अपने पास ये एक रैपो का बेसिक जो नॉर्मल वायर्ड कीबोर्ड सब लोग यूज़ करते हैं, ये वो वाला कीबोर्ड है। तो ये हो गए सारे कीबोर्ड्स की बात है। इसका रिव्यू भी अच्छा है, 3 साल की वारंटी इसमें मिल जाती है आपको। तो सब कुछ बढ़िया है, मेरे को पर्सनली अच्छा लगा ये प्रोडक्ट और ये ब्रांड। बाकी अभी इसकी बारी है, इनको नया नया टेस्ट करते हैं कहाँ तक की बात सही है कि ये वाटर प्रूफ कीबोर्ड है। इसे खोलिए, खाली पानी लेके आ जाओ, उसमें पानी डाल के अपन देखते हैं। पानी वो रखा हुआ है, आज हो जाए पूरी टेस्टिंग, देखा जाएगा जो होगा, देखते हैं। इसके बॉक्स में क्या क्या आता है इसमें? अच्छा, ये मतलब फोम वाली पैकेजिंग है, ये इसका वायर है, और साथ में इसकी ये भी मिला हुआ जिससे आप की रिमूव करके अपना कीबोर्ड साफ कर सकते हो। ओके, पन्नी उतारे इसी पे, कहीं पानी डालेंगे। भाई पास लाके दिखाओ जरा, मजेदार तो है भाई, क्लिप देख रहे कितना प्यारा आ रहा है इसमें, सेटिस्फैक्शन। सब ब्लू कीज़ हैं सारी इसमें। हाय हाय, तो चलो ठीक है, देखते हैं सामान इसमें पानी डालने पे क्या होता है, कीबोर्ड चलता है कि चलेगा या खराब होगा, दो ही चीज़ होगी। आराम से भाई, आराम से, थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर देखो, अभी भी ये कीबोर्ड वर्किंग है, मतलब काम तो करता है। हाँ, काम कर रहा है, मतलब कंपनी जो क्लेम किया था वो सही किया था। जैसे कि इसमें एक वाइट कलर का भी मॉडल है V500, इसको भी अपन खोल के पानी डाल के इसमें भी देखते हैं ये चलता है कि नहीं। हाँ भाई, ये बाकी ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है मेरे हिसाब से, बिल्कुल का बच्चा एकदम। और इसका जो कीबोर्ड का लुक है वो जस्ट बिल्कुल डिफरेंट। बाकी एक इसमें ऑप्शन और है जो कि भाई ये वायरलेस है, कि केबल के साथ है, जबकि इसमें केबल भी आप अलग से अटैच कर सकते हैं। तो ये वायरलेस नहीं कनेक्ट हो जाता होगा फिर? नहीं होता, ये निकल जाएगा बेजल। और इसमें एक ऑप्शन और है, ये दिखाओ अकेला यहाँ पे, जैसे कोई कीज को निकालना है, इसको हटाना है तो इसको आप हटा भी सकते हैं, बेजल भी साफ कर लीजिए, और बाकी कोई कीज भी निकालना है तो ऐसे करके कीज भी आप निकाल सकते हैं, तो ऐसे आपकी कीज भी अलग से निकल जाएंगी। और इसमें आपकी मैकेनिकल कीज के साथ है ये। चलिए इसमें भी पानी डाल के देखते हैं, कीज है। लाओ पानी, लाओ पहले कनेक्ट करिए इसको, फिर पानी। अच्छा, स्मूथ बत्ती जलते हुए पानी डालेंगे। भाई ये लिए कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इनको भी गंगा नहान कराइए। इसमें भी अपन पानी डाल के देखते हैं, पानी नहीं आ रहा क्या? आ रहा, आ रहा, आ रहा। मोटर चालू करिए अभी। ये देखिए, इसे आप देख सकते हैं, डाल दिया पूरा पानी, बट इट्स स्टिल वर्किंग। तो भाई ये देखो, कुछ भी हो, कंपनी ने क्लेम किया तो बात तो सही है, क्योंकि दोनों ब्लैक और व्हाइट दोनों को देखो, ये अभी तक गीला पड़ा हुआ। ऐसा भी नहीं कि हमने ऐसा भी नहीं कि हमने पानी निकाल दिया हो, पानी अभी चू रहा है इसमें से, बट स्टिल जो है आधा घंटा हो गया, बट स्टिल जो है ये चल रहा है। तो भाई ड्यूरेबल प्रोडक्ट तो है, मज़ा आया है पर्सनली बताया तो, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रैपो कंपनी की तरफ से। ये इसका ऊपर का वो है कि आप इसको चाहो तो इसको कवर अप कर सकते हो, मैग्नेटिक है वो पूरा।
और सेकंड एक चीज और बता, अगर ये केबल वेबल आपके चूहे ने किसी ने काट जाट दी ना, 100 रुपए की मार्केट से लेकर के आना, कोई भी टाइप से केबल लगा देना, चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल केबल ही हो, तो सर्विस भी अच्छी है, बाकी 3 साल की वारंटी मिलेगी, आपको बता ही दिया इसमें। तो आसिफ भाई क्या कहना है आपका इस प्रोडक्ट के बारे में? अरे बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ये तो मैकेनिकल कीबोर्ड और गेमिंग डिजाइनिंग एनिमेशन में बहुत अच्छा काम करेगा, बाकी टाइपिंग पर्पस से बहुत अच्छा है। खिटपिट मजा आती है इसकी, हाँ ऐसी खिटपिट वो भी करती है।